वेदर पलटी मार रहा है रोज, जैसे हम करवट बदलते हैं ना वैसे आजकल ये वेदर चेंज हो गया। सो ट्रैफिक है बहुत कम, जिस वजह से आज यहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं दिखाई दे रहा है। बोट ही बोट हर जगह बोट ही बोट। वो छोटे इधर सेल्फीज लेने में सब इतने ज़्यादा व्यस्त हो रहे हैं कि उनको किसी से मतलब ही। स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना ट्रिप में निकलते हैं तो ऐसा ग्रुप बना के लिए देख रही है रस्सी, ये करीबन 20 फीट की दूरी पर बांधी गई है और सामने हल्के हल्के से ड्रम दिख रहे हैं जिसमें। दोस्तों स्वागत है आपके अनदर ब्लॉग में, दिस इज रियो। और आज फिर से मैं थलीथल मार्केट से बाहर निकल के टायर पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। आज चर्चा करेंगे क्राउड के बारे में क्योंकि आज वीकेंड है, वीकेंड की वजह से थोड़ा बहुत रश बना पड़ा है जिस वजह से यहाँ पर हल्की फुल्की भीड़ देखने को मिल रही है। बट वेदर पलटी मार रहा है रोज, जैसे हम करवट बदलते हैं ना वैसे आजकल ये वेदर चेंज होता जा रहा है, कभी बारिश तो कभी धुंध। घर से जब निकला था तो धुंध थी बिल्कुल, मैंने सोचा आज कुछ बनाने को नहीं होगा बट मन कर गया यहाँ के। सो फाइनली मौसम खुला है और क्राउड भी अच्छा है, सो मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे मणिताल की ओर को चला जाएगा, उसके बाद क्राउड देखा जाएगा कितना रस है। वैसे मैं भी कल भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि संडे है तो होटल भी पैक है, ऑलमोस्ट वाले लगभग लगभग पैक ही है बट भीड़ काफ़ी कम है ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि सारे के सारे कैची धाम के वगैरह चले गए होंगे लेक टूर वगैरह, तो इस वजह से यहाँ पर कम दिख रहा है। ये जो एरिया है ना साइड का, यहाँ पर खड़े होने के लिए बहुत अच्छी एरिया है जिस वजह से यहाँ पर रस भी ज़्यादा रहता है। गांधी जी की मूर्ति के जस्ट बगल में और ये यहाँ पर का गांव है और आजकल गांव बंद कर दिया गया है और पानी का स्तर ऑलमोस्ट बढ़ गया है क्योंकि कल यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला बहुत अच्छा है, लाइक रोइंग वगैरह जो परसों रस्सियाँ दिखाई थी मैंने आपको वाला प्रोग्राम कल होने वाला है। बट अभी ट्रैफिक कुछ मुझसे ऐसा कह रहा है कि तू इसके बगल से आराम से गुजर जा नहीं तो ये तुम्हें गुजार देगी। और ऑलमोस्ट मैं बोट स्टैंड के पास पहुंचने वाला हूं और आज बोट स्टैंड में ही ज़्यादा भीड़ दिखेगी। बोट स्टैंड के पास कितनी ज़्यादा भीड़ है, सब इधर की आ रहे हैं, लगता है बोटिंग क्लोज होने का टाइम हो चुका है। और पानी का जो लेवल है ना भाई ये ऑलमोस्ट अपर वाली सीढ़ी पर आने वाला है, पर बीच में आपने गर्मियों में देखा था गर्मियों में पूरे लास्ट सीढ़ी थी और नाव अभी अपर वाली सीढ़ी है। आजकल बोट यहाँ भी बांधने लग गए हैं, परसों तक का तो नीचे तक का बत्ती थी बट अभी यहाँ, और मगर फॉगी सा जो माहौल है ना ये दिल को सुकून दे रहा है। मोस्ट में वहाँ से निकल आया और पहुँच चुका हूँ टोल नाके के पास और देखिए आज अभी 6 नहीं बजा जिस वजह से रिक्शे की काफ़ी मात्रा में भीड़ दिख रही है। और चर्चा करोगे ट्रैफिक की अगर, सो ट्रैफिक है बहुत कम जिस वजह से आज यहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ऐसा लगता है पार्किंग ऑलमोस्ट फुल है जिससे कल ही गाड़ियों ने विजिट करा है, मतलब टूरिस्ट वगैरह तो कम ही आए होंगे जिस वजह से पार्किंग में गाड़ियां लगी पड़ी हैं। ये पार्किंग है होटलों की तो ऐसे पार्क करी होगी गाड़ी, बट जो होटल में अभी बैठे होंगे फ्रंट व्यू यानी लेक व्यू वाले में तो ऐसे नज़ारे देखने को उनको मिल रहा होगा और वो बड़े आनंदित हो रहे होंगे इस चीज़ को देख के, खिलखिला रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और साथ में चाय की एक सिप भी ले रहे होंगे। वन रोड से कोना करते हुए हम अपने कोने वाले साइड पे यानी कि हॉलीवुड वाले प्लेस में आ चुके हैं जिससे कि वहाँ पर जो गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ें ना कानों में ना चुके। और भाई आज ना तामिल मैंने देखा बहुत ज़्यादा बोटें दिखने को मिली है क्योंकि सबको बोटिंग पसंद है तो इस वजह से वो बोटिंग वगैरह सब कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। अभी हॉलीवुड वाले प्लेसेस में सब आनंदित होके व्यू के नज़ारे ले रहे हैं बट वो देख लो बोट ही बोट हर जगह बोट ही बोट। वो छोटे छोटे सा कीड़े टाइप के देख रहे हो, ये सारी की सारी बोट है। आज बोट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वीकेंड है और सामने गोल्डन आवर देख रहे हो, ऑलमोस्ट सूरज ढल चुका है, आजकल जल्दी ढल जा रहा है जिस वजह से गोल्डन आवर मैं यहीं से देख ले रहा हूँ बट वहाँ से जो मेरा रियल पॉइंट है ना गोल्डन आवर वाला वो ज़्यादा बेस्ट है। आखिरकार रोटेटेड पॉइंट पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर बच्चे वगैरह एक्सरसाइज कर रहे हैं और देखिए बच्चों को ना ये एक्सरसाइज करने में बहुत मज़ा आता है, ऐसे एक्टिविटीज़ बार बार करने का मन करता है मगर कभी कभार ऐसा होता है ना बड़ों का दिल जो होता है बच्चों सा हो जाता है। सो सामने देख लीजिए सीनियर सिटीज़न लगे पड़े हैं एक्सरसाइज करने में, दिल तो बच्चा है ये। और यहाँ देखो कॉलेज स्टूडेंट ये भी एक्सरसाइज करने में व्यस्त चल रहे हैं मगर आज तुम देख रहे होगे कल के हिसाब से आज जो नॉइस पॉल्यूशन है ज़्यादा है मगर ये क्षेत्र में आज भीड़ कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। बोटिंग करने वाले करते रहेंगे बोटिंग बट मैं यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ यार, यहाँ के रास्ते चढ़ता हूँ, बड़ा स्टेप है मगर
चढ़ लिया जाए। और देखो अभी भी गाड़ियाँ चल रही है, यानी कि समझ लो 6 नहीं बजा है, क्योंकि 6 बजा होता तो ये सारी गाड़ियाँ आउट हो चुकी होती। तो दोस्तों 6 बजे का रीज़न तो आपको समझ में आ गया होगा, लोगों को यहाँ पर वॉक करने का एक भव्य अवसर मिल जाता है, जिसके वजह से वो शाम के टाइम में और कभी कभार तो संध्या काल में माल लोड के नज़ारे बहुत बढ़िया तरीके से लेते हैं। सो गोल्डन आवर वाले एरिया में मैं पहुँचने वाला हूँ जस्ट, फिर उसके बाद देखते हैं कि आज गोल्डन आवर वाला टाइम आता है कि नहीं आता, क्योंकि मेरे को तो लगता नहीं है नहीं आएगा। सो दोस्तों ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ, मगर यहाँ पर अभी तुम भीड़ देख सकते हो, क्योंकि लोग गोल्डन आवर देखने के लिए व्याकुल ज़्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। और कभी गोल्डन आवर देखना है मगर नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि जो नज़ारे हैं विचलित कर देने वाले हैं, प्रभावित करने वाले हैं। ये देखिए गोल्डन आवर हल्का फुल्का उधर साइड में दिख रहा है, बट इधर साइड में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि आज तो पूरा फॉगीज हो गया है, फॉगीज की वजह से कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अपने रिट्रीट वाले पॉइंट पर पहुँच चुका हूँ, यानी कि लाइब्रेरी के पास। देखिए इधर सेल्फीज लेने में सब इतने ज़्यादा व्यस्त हो रहे हैं कि उनको किसी से मतलब ही नहीं है, अपने में ही मग्न है, मुग्ध भी है और मग्न भी हो रहे हैं। सो ये चीज़ इनकी बहुत प्यारी है, जो अपने पे ही मग्न मुग्ध हो जाते हैं। बट अब मेरे को ऐसा लग रहा है जो है 6 बज चुका है, तो अब गाड़ियों का आवागमन कम हो जाएगा, जिस वजह से लोग अभी तक का तो साइड में चल रहे थे, बट थोड़ी देर में बीचों बीच में चलेंगे। और लड़के भी अब हाथ पकड़ के चल रहे हैं, लगता है अब लड़कियों से इनका नाता टूट चुका है, इस वजह से लड़कों का सहारा। दोस्तों कह रहा था ना मैं कि 6:10 हो चुका हूँ, देखो सामने से टोइन वैन है, सबको भगाते हुए ले जा रही है, खदेड़ दे रही है बिल्कुल। ये देखिए सायरन की आवाज़ भी सुन रहे हो, और पीछे से बाइक वाला उसके फॉलो इसलिए कर रहा है बिकॉज ऑफ उनका चलान नहीं होगा, जिस वजह से वो उसके पीछे 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 लगा पड़ा है कछुए की चाल पे। दोस्तों शाम आते आते यानी 6 बजने के बाद ये जो फड़ वगैरह है माल रोड में इधर साइड में भी लगती है, जिस वजह से आप यहाँ से भी थोड़े बहुत स्टफ कर सकते हो, यानी कि हैंडमेडेड बनाए हुए क्राफ्ट एनीथिंग यू कैन बाय इधर से। ये देखिए जैसे आंटी बैठी है ना, इससे बनाया हुआ शॉप से ईजीली तो बनते नहीं है, मेहनत लगती है, इसलिए वो कॉस्टली भी बेचते हैं, मगर बहुत बड़े प्यार है तो खरीद सकते हो। स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना ट्रिप में निकलते हैं, तो ऐसा ग्रुप बना के निकलते हैं, देखो नीचे से पूरी लाइन फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और सबसे बेस्ट लोकेशन में जो ग्रांड होटल के आगे है, और यहाँ से नज़ारे दिल को छूने वाले हैं। तो ये ताल के बगल बगल में इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि ताल का फील लेने वाले में है, जिस वजह से एकदम लाइन बना के चल रहे हैं भाई ये लोग। हमारे टाइम में क्या होता था, हमारे टाइम में ऐसे ग्रुप कभी जाते नहीं थे, क्योंकि आप समझ सकते हो पैसों का अभाव बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम, थोड़ी दिक्कत होती थी, मगर ट्रिप हमारे कभी नहीं बनी स्कूल टाइम पर, मगर अब बन रहे हैं लंबे लंबे। तो देखिए आखिरकार मलीताल पहुँच चुका हूँ पंत पार्क के पास, मगर जो आजकल गाड़ी का वे 6 बजे बाद बंद हो जाता है ना, तो बाइक वाले जो है इस रास्ते जाता है, मगर गाड़ी वाले मलीताल राजभवन होते हुए निकल जाते हैं। बट इनको छोड़ो, मैं निकलता हूँ अंदर की ओर, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर ट्रैफिक ने दिक्कत कर रखी है, उसी हिसाब से अंदर टूरिस्ट चल रहे हैं बड़े मज़े से, आनंद हो के और हाथ पकड़ के, जिससे कि उनको खूबसूरती का एहसास हो रहा है नैनीताल में घूमने का। और जो टेम्परेचर की बात करते हैं मिनिमम 11 चल रहा है, और मैक्सिमम जो चल रहा है वो आपका 18 या 20 का, इससे ऊपर टेम्परेचर बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जा रही है, उमस ज़्यादा हो जा रही है। बट अभी जो प्रोग्राम होने वाला था वो आपको मैं जूम लेंस से दिखाता हूँ कि रस्सियाँ कैसे बांधी गई है। और ये एरिया में जाके तो मैं दिखाता हूँ जो रस्सियाँ बांधी गई है ना भाई प्रोग्राम के लिए, वो यहाँ से बांधी गई है। ये देखिए दोस्तों कहाँ पर से कहाँ पर तक का, ये देख रही है रस्सी, ये करीबन 20 फीट की दूरी पर बांधी गई है, और सामने हल्के हल्के से ड्रम दिख रहे हैं जिसमें नंबर 1 लिखा है। ये करीबन पूरा तलीताल तक का कर रखा है, क्योंकि जो कल रोइंग और कयाकिंग रेसिंग होने वाली है उसके लिए पहले से ही लाइनिंग बना दी गई है, जिससे कि वो इस एरिया से बाहर बोटिंग ना कर पाए, बहुत सही कर रखा है, जिससे कि आउटर जाके ना बोट वालों को थोड़ा दिक्कत हो जाती है। सो आज बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है आफ्टर मेले के बाद, तो मैं तो सोच रहा हूँ वापस चल रहा है, क्राउड कम भी पड़ेगा, जिससे कि नैनीताल सिटी में भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। सो
घर की ओर वापस की ओर चलते हैं। और ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज रियो रियो इरन अभी जीरो चार या रियो ब्लॉगिंग सिंगर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। आपके लिए ऐसी वीडियो फिर लेकर आऊँगा नैनीताल से जुड़ी हुई खबरों से कि दिल्ली का कितना क्राउड रहता है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करिए और शेयर भी कर दीजिए। सो बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।